हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए। तो बच्चों, होमवर्क जो क्वेश्चन दिए थे उनमें से एक बच्चे का डाउट आया, क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बहुत ईजी है, पर पता नहीं कैसे डाउट आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। एक बार बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म, दे विड्रॉ 48,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। यानी पूरे साल में उन्होंने अपनी जो टोटल ड्राइंग्स करी वो करी इतने। ठीक है, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, कह रहा इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ वो निकालते हैं इसको। ठीक है, कह रहा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, तो बहुत ईजी था, चलिए इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए एक ईयर का ये लाइन बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये रहे आपके 12 महीने। ठीक है, तो इसने बोला कि मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ, इसमें दो लोग हैं, ब्रिज हैं, एक है मोहन। तो ब्रिज ने जो टोटल ड्राइंग करी, ब्रिज की जो टोटल ड्राइंग्स थी वो थी 48,000, जबकि मोहन की टोटल ड्राइंग कितनी थी, वो थी 36,000। ठीक है बच्चों, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो हर महीने कितने निकालते थे या फिर कितने टाइम में उसने क्या क्या निकाला, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि वो जो ड्राइंग करते थे वो हर मंथ के मिड में करते थे। यानी पहली ड्राइंग उन्होंने यहाँ करी होगी, अगली ड्राइंग फिर यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ फिर यहाँ, फिफ्थ, ऐसे ऐसे बच्चों वो हर महीने के मिड में ड्राइंग करते थे, कुछ रुपए निकालते थे। और कितने रुपए निकालते थे ये आप 12 से डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने 12 टाइम्स ही ड्राइंग करी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टाइम्स बच्चों इन्होंने ड्राइंग्स करी हैं। तो उतने में इसने इतने निकाल लिए, इसने इतने निकाल लिए। ठीक है बच्चों, यानी ब्रिज जो था वो हर महीने 4,000 निकालता था और ये जो था ये 3,000 निकालता था। लेकिन उसकी हमें ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि हमें टोटल ड्राइंग ही चाहिए होती है और क्वेश्चन में पहले से ही हमको वो गिवन है। ठीक है बच्चों, मिड में ऐसे निकालते हैं, तो ये हमने कर लिया मिड में कैसे। उसके बाद बच्चों हमको निकालना होता है इसमें एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहली ड्राइंग करी उसके बाद कितना टाइम बचा। तो पहली ड्राइंग बच्चों ये रही, इसके बाद कितना टाइम बचा, देखो बच्चों आधा महीना ये रहा और इसके अलावा 11 मंथ्स ये रहे, यानी 11.5 मंथ्स। प्लस लास्ट ड्राइंग करी, तो इस पर्सन ने लास्ट ड्राइंग यहाँ करी, उसके बाद कितना टाइम बचा, उसके टाइम बचा हाफ मंथ, यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो आप इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो 48,000, जिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 37 में रेट गिवन था 10% पर एनम मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा 2400। सेम बच्चों इसके लिए भी, इसका भी एवरेज पीरियड कितना आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों एकदम सेम टाइम पर ड्राइंग करते हैं, तो इसका भी एवरेज ऑफ पीरियड सेम ही आएगा 6। तो इसका IOD भी आप निकाल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% फॉर 6 मंथ, आंसर आ जाएगा 89। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो चलिए आज हम और कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो 37, मैं बढ़ता हूँ आगे।
क्वेश्चन नंबर 37 के बाद बच्चों, चलिए आज हम कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन 31, ये रहा बच्चों इलस्ट्रेशन 31, आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो ये कुछ दो केस हैं, इनमें इनकी ड्राइंग्स निकालती हैं। केस वन है, इफ़ द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000, पूरे साल की ड्राइंग बच्चों अगर 30,000 है, और इफ़ ही विड्रॉ 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी नहीं बोला, तो हम ये मान लेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 31 में हम ये मान लेंगे कि इनकी ये टोटल ड्राइंग ही गिवन है हमको, ड्यूरिंग द ईयर जो लिखा हुआ है ना केस वन में, केस वन में टोटल ड्राइंग है 30,000, जिसपे 10% हमको रेट देना है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये ड्राइंग कब करी है। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब आपको रेट गिवर हो पर एनम और टोटल ड्राइंग्स गिवन हो, लेकिन ये ना बताया हो कि ड्राइंग्स कब करी है, तो आपको खुद ही लेना है उसको 6 मंथ। ये बात मैंने आपको बच्चों बताई थी, तो ये आंसर आ गया 1500। इसमें बच्चों एवरेज पीरियड हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ना हमें पता उसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी है और ना हमें पता उसने लास्ट ड्राइंग कब करी है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई कि हमने इसमें एवरेज पीरियड क्यों नहीं निकाला। फिर बच्चों नेक्स्ट है केस टू, उसमें बोला उसने कि वो विड्रॉ करता है 2500 रुपये पर मंथ। ठीक है बच्चों, पर मंथ वो 2500 रुपये निकालता है। तो बच्चों हर महीने अगर वो 2500 निकालेगा तो उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 2500 कर लो मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि हर महीने निकालता है तो 12 महीने तक निकालेगा, ये भी आ गया 30,000। क्लियर है? इसके बाद इसमें अगर आप चाहो तो एवरेज पीरियड निकाल सकते हो। एवरेज पीरियड के लिए हम मान लेते हैं बिगनिंग में करता था वो, या फिर आप एंड भी मान सकते हो बच्चों, तो आपका आंसर दोनों से सेम आ जाएगा इसका। अगर हम मान लें कि बिगनिंग में वो निकालता था, तो बच्चा पूरा का पूरा 12 मंथ, और अगर आप मान लो कि वो एंड में निकालता था, तो बच्चे का पूरा पूरा 11 मंथ। तो बच्चों देखो, इसमें भी हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम बिगनिंग मानेंगे या एंड मानेंगे तो आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा सेम। अभी मैंने चेक किया तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसमें भी हमें एवरेज पीरियड हम अपने मन से नहीं निकाल सकते, तो इसमें भी हम सेम रूल लगा देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता उसने ये ड्राइंग कब करी, बिगनिंग में या एंड में। तो सेम हम करेंगे कि 30,000 टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय 10% इंटू 6/12 हम मान लेंगे खुद ही बच्चों इसको, क्योंकि हमको नहीं पता उसने बिगनिंग करी या एंड करी, ये भी 1500 ही आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, अगर बच्चों मैं एक नंबर लाइन आपको बना के दिखाऊँ, या फिर अगर आप देखोगे, चलो मैं एक नंबर लाइन बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक महीना, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और ये 12, ये 12 महीने। अगर हम मान लें कि वो बिगनिंग में करता है, तो बच्चों वो हर साल के बिगनिंग में कर देगा, ये तो एंड आ गया 31 मार्च, फिर वो लास्ट ड्राइंग यहाँ करेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल आ जाएंगे 12 मंथ, और लास्ट वाला उसने यहाँ किया है। तो आप देखोगे कि फिर कितना टाइम बचा इसके बाद, एक महीना, तो 1 यानी 12 + 1 13/2 यानी 6.5 आ जाएगा, जो कि अलग है। और अगर हम माने एंड में करता है, तो एंड वाला इधर देखोगे आप, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और प्लस, क्योंकि यहाँ पे तो अब कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए बच्चों ये वाला भी अलग आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा 6 मंथ, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते, हम 6 ही लेंगे, जो रूल हमने यहाँ लगाया कि हमें नहीं पता। ठीक है, 31 समझ गए। ठीक है बच्चों, एक और करते हैं हम क्वेश्चन।
इलस्ट्रेशन नंबर हम करेंगे बच्चों 32। इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें कुछ नया है। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग एट द रेट 10% इफ़ यू विड्रॉ 2.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। अगर वो 2.5 लाख पूरे साल में निकालता है तो बच्चों ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इसने सिर्फ और सिर्फ 10% बोला है। इसके आगे बच्चों इसने ध्यान से देखोगे आप तो पर एनम नहीं लगाया, जैसा कि वो बाकी क्वेश्चंस में लगाता था। सिर्फ 10% बोला है। तो जब आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज गिवन हो तो आपको फिर ये मंथ वाला काम नहीं करना। आपको सिंपल पता है कि उसने टोटल ड्राइंग पूरे साल में करी 2.5 लाख, उस पर 10% उसको रेट देना है, यानी 25,000 इसका IOD आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर आपको 6 मंथ वाली चीज़ नहीं करनी, क्योंकि ये माना जाता है जो भी ड्राइंग इसने करी और जितने पीरियड के लिए करी उतने पीरियड के लिए हम 10% रेट उससे लेते हैं, ठीक है। अगर पर एनम ना हो तो आपको सिर्फ ये काम करना है, ठीक है। 32 भी आपको समझ आ गया होगा बच्चों। एक क्वेश्चन है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन करे, 31, 32 इलस्ट्रेशन हमने करे। एक क्वेश्चन और मैं बच्चों आपको यहाँ पे इसको नोट डाउन करवा देता हूँ, उनके साथ साथ आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है बच्चों। बोला गया 1 मई को निकाले गए 3,000 रुपये, फिर 30 जून को निकाले गए 5,000 रुपये, फिर 1 नवंबर को निकाले गए 5,000 रुपये, फिर 31 जनवरी को निकाले गए 6,000 रुपये, ठीक है बच्चों। ये कुछ इस तरीके से इररेगुलर ड्राइंग्स है बच्चों, आप देख लोगे इनके बीच में गैप सेम नहीं होगा, जैसा कि अभी हुआ करता था ना बच्चों, पर मंथ पर क्वार्टर इस हिसाब से हम जो देखते थे उनका डिफरेंस सेम होता था, जबकि यहाँ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जो हमने पहली ड्राइंग करी जो कि थी 3,000, इस पे रेट है 12% मल्टीप्लाइड बाय जिस दिन हमने इसको विड्रॉ किया वहाँ से लेके लास्ट डेट तक, यानी 31 मार्च 2021 तक कितने मंथ के लिए था। तो आप देखोगे 1 मई से लेके 31/3/2021 तक टोटल होंगे 11 मंथ्स, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है बच्चों। फिर आप देखोगे 30 जून को 5,000 रुपये और निकाले, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% इनटू, फिर जून से बच्चों कितना हो जाएगा, देखो जुलाई पूरा, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 मंथ्स, ठीक है। फिर आप देखोगे फिर से 5,000 रुपये निकाल लिए 12% के हिसाब से, और ये इस बार कितने महीने के लिए, 5 मंथ्स के लिए निकाले, फिर से निकाले 6,000 रुपये निकाल लिए हमने 12% के हिसाब से फॉर 2 मंथ्स, 2 ही महीने होंगे ना बच्चों, देखो 31 जनवरी है, फरवरी और मार्च, सिर्फ 2 महीने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे अगर आप, ये आ जाएगा 330, इसको आप सॉल्व करोगे 450, इसको आप सॉल्व करोगे 250, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 120। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो टोटल बनेगा वो इनका ऐड बनेगा, तो कितना हो जाएगा ये 1150, ठीक है बच्चों, समझे। ये आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये होती है बच्चों इररेगुलर ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना, जो कि बहुत इजी होता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इतना वाला पोर्शन नहीं होता तो आप
सिर्फ इतना करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन विद आंसर इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है बच्चों जो हमको आज स्टार्ट करना है, हेडिंग डाल लीजिए। वैसे तो मैं आपको करा चुका हूँ लेकिन फिर भी, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ लॉस। अगर हमें लॉस हो गया इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अगर हमें लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो हमें क्या करना होता है, चलिए ये समझने के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। वैसे मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करा दिया है पर फिर भी लिखते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। आगे लिखा नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 60,000। फिर लिखा इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, इज 48,000 एंड बीज सैलरी इज 1,92,000 पर एनम। लिखा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो चलिए बनाते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बनाने को बोला है हमको तो मैं उसको बना लेता हूँ। इसका फॉर्मेट तो बच्चों जो जो चीज़ें हमको गिवन है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास जो प्रॉफिट है सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है बच्चों, हमारा नेट प्रॉफिट होता है, ये जो कि है हमको गिवन क्वेश्चन में 60,000, ठीक है बच्चों। अब आपको मैंने ये चीज़ पहले समझाई है कि बच्चों हमें जो भी हमें जो पार्टनर्स को पे करना होता है उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड। जैसे इस क्वेश्चन में हमको पार्टनर ए को देना है 48,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। ए को हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जो कि है 48,000, उसको तो मैं दे सकता हूँ 60,000 में से। और पार्टनर बी को देना है मुझे, बी की जो सैलरी है कुछ भी हो बच्चों, कुछ भी पे करना हो, ये भी मुझे सैलरी पे करनी है जो कि है 1,92,000। तो बच्चों अब ध्यान से समझोगे, क्या मैं इतना पैसा इन्हें दे सकता हूँ अपने प्रॉफिट में से? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसे केस में फिर मेरे पे यहाँ पे लॉस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 48,000 और 1,92,000 दोनों चीज़ लिख दूँ तो यहाँ पे मुझे लॉस आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, मैंने आपको समझाया था। तो ऐसे केस में हमको देना तो पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना पड़ेगा और टू सैलरी बी को देनी पड़ेगी। लेकिन कितनी देनी पड़ेगी ये मेन इसको समझाने वाली बात है यहाँ पे। तो इसको भी मैंने आपको ये चीज़ भी समझाई हुई है कि आपको जितना भी आपका प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाय ए को कितना देना है 48,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल, जो जो चीज़ें देनी है। तो आप इसका टोटल करोगे कितना आ जाएगा, ये 2,40,000। तो आप इसको सॉल्व करोगे, फोरजा ये आ जाएगा 12,000,
क्योंकि हमने 48,000 ए को देना था, तो मैंने ए के लिए कैलकुलेशन करी है ये 12,000 वाली। बच्चों समझ आई आपको? जितना प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड ए को जितने भी रुपए देने अपॉन में टोटल ऑफ ए और बी। बी का बच्चों कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता था या फिर बी की सैलरी कमीशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमें पे ही करना है तो इसीलिए हम दोनों को ऐड करके इसको बेस में लिखते हैं। ऐसे अगर मैं बी की सैलरी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,92,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000। ये सॉल्व करके बच्चा आ जाएगा 48,000। इससे बच्चों आप ध्यान दोगे, ना ही हमको लॉस हुआ और ना ही हमको प्रॉफिट हुआ। समझ आया? ये कैलकुलेशन आपको यहाँ नहीं करनी, ये वर्किंग है आपकी जो आपको नीचे करनी होती है। मैंने अकाउंट में कर दी क्योंकि यहाँ पे आपको समझाना था, ठीक है? तो आप ध्यान से देखोगे, मैंने इनको इस रेशियो में ही बांट दिया जिस रेशियो में इनको पैसा मिलना था। इसको 48 मिलने थे, इसको 192 मिलने थे, यानी इसको 48,000 1,92,000 इनका रेशियो बन रहा था बच्चों 1:4। देखो 1:4 में ही हमने ये 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्हें, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन समझ गए होगे आप, ठीक है? तो ये चीज़ हम वैसे पहले भी कर चुके हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, पहले वाले की तरह ही है, थोड़ा अच्छा है लेकिन पहले वाले से। लिखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, एग्जांपल एक्स एंड वाई आर 3:1 पार्टनर्स। Their net profit is rupees 54,000. Interest on capital as follows. Interest on capital. तो बच्चे interest on capital X का है जो वो है 18,000 और Y का है 14,000। फिर आगे लिखा है बच्चों कमीशन टू पार्टनर्स इज एज फॉलोज। इनको कमीशन भी, एक्स को कितनी मिली 30,000 और वाई के लिए 10,000 लिखा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं बना रहा हूँ एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में हमको जो प्रॉफिट गिवन है उस प्रॉफिट को अगर मैं लिखूं तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट जो कि आ गया 54,000। अब बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी हम डेबिट साइड ही लिखते हैं और जो कमीशन है ये वाली कमीशंस को भी हम डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे 54,000 से ज़्यादा हैं बच्चों ये सारी चीज़ें। अगर इन्हें मैं ऐड करूं तो ये रेशियोज आपके ज़्यादा चले जाएंगे, जी अमाउंट ज़्यादा चली जाएगी। अगर इसको देखूं तो 32 और 30 यानी 62 और 10 यानी 72। तो बच्चों ये तो 72 है और यहाँ तो सिर्फ 54 है, तो इस केस में भी हमारा इस तरफ फिर लॉस आने लगेगा जो कि नहीं आना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अपना जो जितना भी प्रॉफिट है सिर्फ वो प्रॉफिट ही इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है? समझ आया आपको? तो
तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चों एक्स को और वाई को, और टू कमीशन इनकी जो है वो भी देनी है एक्स को और वाई को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी हमको। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन भी सेम है, मैं चलिए यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 18,000 डिवाइडेड बाय इसका टोटल, तो इसका टोटल बच्चों कितना आ जाएगा 32,000, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा बच्चों ये टोटल, मैंने इधर ये गलत लिखा है, 72 आया था ना हमारा, मैंने ये गलत लिखा है, 72 आएगा ना इन सब का टोटल, 18, 14, 30 और 42 इनका हमको सबको टोटल करना पड़ेगा जो जो इनको पे करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 18,000 डिवाइडेड बाय 72,000, तो ये आया 13,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई एक्स की 13,500। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं वाई की निकालूंगा तो 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 14,000 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल जो कि आएगा 72,000। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ रहा है बच्चों 10,500, इसका आया था 13,500, तो 10,500 ये यहाँ पे आ गया। ऐसे ही बच्चों जो इनको कमीशन देनी है तो वो भी सेम कैलकुलेशन हो जाएगी, 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 72,000। तो ये आ गया 22,500 आ रहा है बच्चों। ऐसे ही फिर वाई को भी जो कमीशन पे करनी है उसकी कैलकुलेशन भी सेम होगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 72,000 यह आ जाएगा बच्चों 7,500 ये आ गया, ठीक है। तो अब इसका टोटल करते हैं हम, आप देखोगे बच्चों यहाँ भी 54,000 है टोटल और यहाँ भी 54,000 ही टोटल आएगा, चेक कर लो अगर आप करना चाहते हो तो। 13,500 प्लस 10,500 प्लस 22,500 प्लस 7,500, ये देखो बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कभी भी बाय नेट लॉस नहीं निकालना। अगर मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे देता तो मेरा नेट लॉस आता, जो कि मुझे नहीं करना। ऐसा होता अगर कि यहाँ पे 54 से, या फिर ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर 1,00,000 होता, तो फिर मैं ये सारी अमाउंटें एज इट इज़ यहाँ लिख देता, क्योंकि ये कम होती, समझ गए। यहाँ क्योंकि ये 72 है तो मैं 72 लिख सकता हूँ, 1,00,000 मेरे पास है, 72 तो मैं दे सकता हूँ। मतलब आप ये सोच लो कि मेरी जेब में इतने पड़े हैं और मुझे जो पैसा लोगों को चुकाना है वो फिर मैं इतना ही दूंगा, भले ही वो मेरे से ज़्यादा भी लेना चाहें तो भी, समझे आप। फिर मैं उनको उसी रेशियोज़ में तोड़ के दे दूंगा उतना ही पैसा जितना मेरे पास पड़ा है, फिर मेरी जेब खाली हो जाएगी, कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे को आपको कराना था, ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म। आपके लिए बच्चों होमवर्क मैं आपको अगर दे दूं, होमवर्क में बच्चों वही है क्वेश्चन नंबर जो भी रिमेनिंग रह गए थे, मैंने जो आपको बताए थे यहाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे जो एक दो बच्चे थे वो आपको करने, और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये इरेगुलर ड्राइंग वाले क्वेश्चन है, ये भी आपको करने, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके आंसर शो कर देता हूँ, आप करने के बाद इनके आंसर मैच कर लेना। ये रहे बच्चों इसके आंसर्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। आप ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, और बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।